अब बात राम की जब होती है तो शबरी का उल्लेख भी अनायास हो ही जाता है। शबरी भक्ति का ऐसा अनूठा उदाहरण है जो कम ही देखने को मिलता है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस पवित्र धाम की यात्रा पर जहां राम ने अपनी शबरी को दर्शन दिए। राम अपनी शबरी की भक्ति से इतने अभिभूत थे कि उन्हें उसके झूठे भेर खाने से भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि यहां भगवान सिर्फ उसकी भक्ति और भाव को देख रहे थे। यहां भक्त को मिले थे भगवान, अमर हो गया वो धाम जहां शबरी को मिले थे राम। जगन्नाथपुरी धाम के नाम से प्रसिद्ध ये सूर्य नारायण है। बिलासपुर से 65 किलोमीटर दूर जांजगीर चांपा में बसा सूर्य नारायण की भव्यता और लोकप्रियता ख्याति है। यही वजह है कि इसे छत्तीसगढ़ के मानचित्र में एक बेहतर ढंग से उकेरा जा रहा है। अगले कुछ मिनटों में हम यहाँ के वैभव और इतिहास के बारे में जानेंगे, तो चलिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ के पुरी धाम। यही वो पावन भूमि है जहाँ भक्त और भगवान का मिलन हुआ था। भगवान राम ने शबरी की तपस्या से प्रसन्न होकर न केवल उन्हें दर्शन दिए बल्कि उनकी भक्ति और भाव को देखकर झूठे बेर खाने में भी संकोच नहीं किया। आज भी शबरी और राम के मिलन का ये पवित्र स्थान आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां लोग दूर दूर से पहुंचकर भक्त और भगवान के अटूट संबंध को करीब से देखने और उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। माता शबरी की जो जन्मभूमि यह सूर्यनारायण है, भगवान राघवेंद्र सरकार अपने वन गमन के समय इस स्थान से ही आगे बढ़ करके वो आज का जो बस्तर है जिसे दंडकारण्य कहा जाता है वहां तक पहुंचे थे। तो रामायण कालीन में सूर्यनारायण नगर का बहुत ही विशेष स्थान है, इसलिए आज भी केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, देश विदेश के पर्यटक, देश विदेश के भक्तगण, श्रद्धालुजन सूर्यनारायण नगर में दर्शन के लिए, भगवान सूर्यनारायण दर्शन के लिए, जगन्नाथ जी दर्शन के यहाँ पधारते हैं। ये पवित्र धाम शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। जांजगीर चांपा जिले में बसा शिवरी नारायण महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर बसा है। प्राकृतिक छटा से भरपूर इसे छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। सौंदर्य और चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमाओं के कारण स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम और नारायण क्षेत्र भी कहा जाता है। हर युग में इस नगर का अस्तित्व रहा है। सतयुग में बैकुंठपुर, त्रेता युग में रामपुर और द्वापर युग में विष्णुपुरी और नारायणपुर के नाम से विख्यात ये नगर मतंग ऋषि का गुरुकुल आश्रम और शबरी का साधना स्थल भी रहा। यही वो स्थान है जहां माता शबरी ने बरसों तक अपने आराध्य का इंतजार किया। हर दिन प्रभु के आने की आस लेकर रास्ते को फूलों से सजाती थी और प्रभु ने दर्शन देकर शबरी को धन्य कर दिया। भगवान श्री शिवनारायण मंदिर जो है एक बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थल है। गुप्त तीर्थ के रूप में ये विश्व प्रसिद्ध है। भगवान नर नारायण जी की यहाँ दो प्रतिमा हैं। यहाँ जो सामने जो प्रतिमाएं हैं भगवान श्री राम जी का, वो स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं पृथ्वी को फाड़ करके प्रकट हुई मूर्ति। शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ जी की तीनों प्रतिमाएं स्थापित रही थी, लेकिन बाद में इन्हें जगन्नाथपुरी में ले जाया गया था। मान्यता है कि आज भी साल में एक दिन भगवान जगन्नाथ यहां आते हैं और इसे भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान भी कहा जाता है।
ये जगन्नाथ जी का मेन मूल स्थान माना गया है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी स्वामी जो हैं साल भर में एक दिन माघ पूर्णिमा के दिन विशेष यहाँ आके विराजते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ उस दिन बहुत भव्य मेला स्टार्ट हो जाता है माघ पूर्णिमा से और बहुत लंबी लाइन लगे रहती है दर्शन के लिए। यहाँ मंदिर में एक कुंड भी है जिसे रोहाणी कुंड कहा जाता है, जो जमीन से ऊपर है, जिसमें हमेशा जल भरा रहता है और भगवान राम के चरण इसमें डूबे रहते हैं। इस जल को अक्षय जल कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान की इस दिव्य स्वरूप के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके पैर के नीचे कुंड है जिसे रोहिणी कुंड कहा जाता है। उस कुंड में अविरल जल धाराएं बहती रहती है जो भगवान श्री राम जी के नारायण जी के चरण कमल को प्रक्षालन करते रहती है। मंदिर परिसर में ही हनुमान जी की एक अद्भुत काली प्रतिमा स्थापित है जो शायद ही कभी देखने को मिली हो। हनुमान जी के स्वरूप को लेकर भी अपनी मान्यताएं हैं। ये पूरा क्षेत्र आस्था और ऐतिहासिक प्रमाणों से भरा हुआ है। मंदिर के समीप लगा बरगद का पेड़ भी अपने आप में अनूठा है। इसे कृष्ण वट का नाम दिया गया है, जिसके पत्ते कुदरती रूप से दोने की तरह हो जाते हैं। जब राम लक्ष्मण जी यहाँ से गुजरे तो माता सबरी और सबरी जी का ये जन्म स्थान है कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम सबरी और नारायण दोनों को मिला के सिवरी नारायण आज बोलते हैं। इसका नाम उसी नाम से पड़ा है। माता सबरी का चूँकि ये पूरा भील क्षेत्र में आता था पहले, तो इसीलिए सबरी माता के जन्म स्थान के नाम से इसको सिवरी नारायण बोला जाता है। मेरा यहाँ सिवरी नारायण में आना 2 बार हुआ है और बहुत अच्छा लगा अनुभव। मतलब आया तो फैमिली के साथ में बहुत खुशहाल लगा और मंदिर में देखे कि सबरी माता जी भगवान श्री रामचंद्र जी साथ में लक्ष्मण भैया के साथ विराजमान है मंदिर में, और मंदिर के दर्शन करके हम लोग बहुत और हमारा जीवन सफल हो गया। ये नगर पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने में समेटे हुए है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ योजना के तहत इस विरासत को सहेजने और सवारने का काम किया है, ताकि पूरी दुनिया इस विरासत से रूबरू हो सके। 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान सबसे ज्यादा वक्त भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में बिताए। माता सीता की खोज करते भगवान राम इसी सिवरी नारायण मर पहुंचे थे और यहाँ माता सबरी के जूटे बेर खाए थे। यही वजह है कि यह तीर्थ धाम आज पवित्र बन चुका है और इसके सहजने और संवारने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे जीवंत रखने के लिए राम वन गमन पथ योजना में शामिल किया है। इसके तहत पहले चरण में भगवान राम की लक्ष्मण और माता सबरी के प्रतिमा महानदी के तट पर विराजमान किए गए हैं। इसके साथ ही तीसरे और चौथे चरण में भी यहाँ पर करोड़ों के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। राम वन गमन पथ के जब यहाँ पर योजना चालू हुआ और उनका प्रचार प्रसार होने के बाद हमारे यहाँ दर्शनार्थी और टूरिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और ये जो घाट का विकास हुआ है उसमें भी लोगों को उत्साहित है। हमारे सिवरी नारायण की स्थिति बहुत बढ़िया है ना। जब से राम वन गमन की चर्चा हुए तो इधर उधर सब तरफ बहुत से दर्शनार्थी वगैरह आते हैं, काम धंधा बढ़िया चला है ना, हम बहुत खुश हैं। सिवरी नारायण धाम अपने आप में अनूठा है, जहाँ भक्ति और भावना का अनूठा संगम है, जहाँ शबरी को अपने राम मिले, जहाँ आराध्य ने अपने भक्त के घर पहुँचकर दर्शन दिए, ऐसा स्थान दिव्य और सिद्ध तो होगा ही। महानदी शिवनाथ और जोक नदी के त्रिवेणी संगम में बसा ये तीर्थ धाम सिवरी नारायण है। छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पथ योजना के तहत इस तीर्थ स्थल को सजाने और संवारने का काम कर रही है। यही वजह है कि न केवल छत्तीसगढ़ वरन पूरे देश में सिवरी नारायण एक बड़े आस्था के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, सिवरी नारायण।